ये है दिल्ली दर्पण। कांग्रेस पार्टी के राजकुमार राहुल गांधी के जन्मदिन वाले दिन पूर्व विधायक जय किशन ने राहुल गांधी को उपहार में 21 किलो घी दिया है, इस उम्मीद में कि उस घी को खाकर राहुल गांधी विरोधियों से और ज्यादा ताकत के साथ लड़ पाएंगे। इस उपलक्ष में जय किशन ने सूखा राशन भी बांटा और राहुल गांधी की लंबी उम्र के लिए दुआ भी की। कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस बार जय किशन ने गरीबों को राशन दिया, लेकिन खासतौर पर राहुल गांधी परिवार को 21 किलो देसी घी उपहार स्वरूप दिया। जाहिर है जय किशन को लगता है कि कमजोर होती कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को ताकतवर होना होगा और ताकत के लिए उन्हें देसी घी खाने की जरूरत है, ताकि वे देश विरोधी ताकतों विपक्षी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस में बैठे बागियों से निपट सके। जय किशन ने कहा कि इसी कामना और मंशा के साथ उन्होंने गांधी परिवार को 21 किलो देसी घी पहुंचाया है। 21 किलो देसी घी देकर के आए हैं। प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी खाएं, खा करके ताकत आएगी और ताकत के साथ बीजेपी जैसी संप्रदाय ताकतों के खिलाफ और आम पार्टी जो षड्यंत्र के साथ सत्ता में आई है और जो लूट के नाम पर सरकार चला रही है उनके खिलाफ आवाज उठा सके। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है, खासकर दिल्ली में तो कांग्रेस आईसीयू में आ गई है। निकट भविष्य में नगर निगम चुनाव भी हैं। दिल्ली के ये चुनाव देश को बड़ा संदेश देंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बागी सुर और दिल्ली में कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं के आम आदमी पार्टी में जाने की खबर है। जय किशन इसे ज्यादा चिंता की बात नहीं मानते। जो सत्ता के लालची हैं, वो टके की अंडी जाती, कुत्ते की जात पिछाड़ी जाती है। कहीं कहते हैं कि जहाँ दिखे तो अपराध, वहीं गवाए सारी रात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कलयुग है, बेशर्मी का जमाना है। इस कलयुग में बहुत सारे लोगों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस बहुत जोर से चुनाव लड़ेगी। मैं कांग्रेस के साथ मिलकर के पूरी शक्ति के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कांग्रेस के सिद्धांतों पर और कांग्रेस के इतिहास पर और कांग्रेस की परंपराओं को देखते हुए आज आम पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अब दिल्ली में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव का जंग लड़ेगी। बेशक कांग्रेस के सीनियर नेता जय किशन खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देसी घी का उपहार देकर ये संदेश देने की जरूर कोशिश की है कि राहुल बाबा कांग्रेस को संभालो ताकि देश संभल जाए। अब राहुल गांधी इस संदेश को कितना समझ पाए होंगे कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर